दो किस्मी पूसा की HD CSW 18 और HD 32 26 जो बहुत ही उपयुक्त है। उनको आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में धान की फसल काटने के तुरंत बाद सीधे बुआई कर सकते हैं और अगर आप बाहर जुताई करके भी बोना चाहें तो भी बो सकते हैं। दोनों किस्में बहुत ही उपयुक्त है, एक ही धान रखने की जरूरत है क्योंकि आपको जब जल्दी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के माह में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो नमी जल्दी सूख जाती है। तो कोशिश करें शाम के टाइम बुआई करें। ये जो हमारी दोनों किस्में HD CSW 18 और HD 32 26 ये 60 मन प्रति एकड़ या 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर ऊपर पैदावार दे जाती है अगर जो आप अक्टूबर के आखिरी के अंदर इनकी बुआई करें। हमारी दो अन्य किस्में हैं HI 16 21 HD 32 71 ये लेट सोन और वेरी लेट सोन कंडीशन, यानी जैसे पर्टिकुलरली जब सुगर केन की कटाई के बाद हम बुआई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक हमारी अन्य किस्म है जो HD 32 49 है जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिकमेंड हुई है, ये भी हमारी बहुत ही उत्तम किस्म है। हमारे परीक्षण के दौरान हमने पाया कि ये HD 29 67 HD 30 86 और दूसरी अन्य किस्मों से अधिक पैदावार दी है इस किस्म ने। तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म को जरूर अपनाएं HD 32 49 NEPGEN खासकर बिहार और यूपी में। और एक अन्य चीज जिसको आप उपयोग में लाके अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जब गेहूं की बाली निकल चुकी हो तब उस दौरान बाली निकलने के बाद जब दाना बनना शुरू होता है उस टाइम NPK का स्प्रे जरूर करें जिसके अंदर तीनों तत्व प्रेजेंट हो उनका स्प्रे करें तो दानों के अंदर उनकी दानों की मोटाई भी बढ़ती है और उनमें चमक भी आ जाती है।